चमोली सुबिप कार्यक्रम के माध्यम से भले ही मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो, लेकिन जब मतदान केंद्र गांव से 10 किलोमीटर दूर होगा तो भला ऐसे में कैसे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। मामला चमोली जिले के देवल ब्लॉक के बेरा धार गांव की बमोटिया तोक का है, जहां पर 150 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से कुछ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। इनका नजदीकी मतदान केंद्र लगभग 10 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय वेरधार में है। ग्रामीण पिछले कई सालों से प्राथमिक विद्यालय बमोटिया में ही पोलिंग बूथ बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। अभी तक उनके गांव में मतदान केंद्र नहीं बनाया गया। ग्रामीणों ने इस बार भी जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय वेरधार में से हटाकर प्राथमिक विद्यालय बमोटिया में ही बनाया जाए, ताकि वे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। गांव के सुजन नाम, रमेश राम, हीरा राम आदि ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरूक कार्यक्रम तो चला रहा है, लेकिन जब मतदान केंद्र ही इतना दूर हो तो ऐसे में कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। उनका कहना है कि मतदान केंद्र उनके यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। जंगल का रास्ता होने के कारण ग्रामीण वोट देने नहीं जाते। यदि मतदान केंद्र गाँव में ही बन जाता तो ग्रामीण अधिक से अधिक मतदान करते और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते। हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर बेराधार जाना पड़ता है पोलिंग बूथ पर। हमारे वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष, बाल बच्चों वाली बेटी बहू नहीं जा सकती। हमें सरकार से कितनी बार हमने वो सिफारिश की कि हमें यहाँ पर पोलिंग बूथ होना चाहिए, किसी ने हमारे सुनाई नहीं की। विधायक श्री जीतराम से भी कहा, उन्हें भी हमारे कोई नहीं सुनी। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर पोलिंग बूथ होना जरूरी है, ताकि हम अपने वोटों का इस्तेमाल कर सकें। सब लोग जागरूक हो सकते हैं। कितने परिवार, लगभग कितने वोटर हैं यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम 150 के आसपास है। 200 150 पौने 200 के आसपास है। 200